यून जी अर्जुन को बताता है कि आज न्यू इंग्लिश टीचर की वेलकम पार्टी है, तो स्कूल के बाद आज हमें वहाँ पे जाना है। पुराने जो इंग्लिश टीचर थे उसका नाम था डेविड, तो अर्जुन उसके बारे में पूछता है कि क्या उसने जॉब छोड़ दी, लेकिन क्यों? यून जी कहता है मुझे नहीं पता है, लास्ट वीक जब मैं उससे मिला था तब मुझे ऐसा लगा ही नहीं था कि वो जॉब छोड़ के जाने वाले है। तो अर्जुन भी इससे कंफ्यूज था कि अचानक से नया टीचर कैसे आ गया। यहाँ पे दूसरी ओर न्यू इंग्लिश टीचर एडम काइली मतलब कि उनो, उसने अपनी क्लास ले ली थी और जैसा कि उसने कैंडी को बताया था कि तुम यहाँ पर ही मेरा इंतजार करना, तो कैंडी वहाँ पे छुपके से उसका इंतजार कर रहा था और उससे गुस्सा आ रहा था कि यही उसकी क्लास है तो फिर वो बाहर क्यों नहीं निकल रहा है। और जब उसने उनो को देखा तब वो तुरंत ही उसके पास जाने वाला था, लेकिन वो रुक गया क्योंकि उनो के सामने वहाँ पे अर्जुन आ गया था। उनो के साथ दो स्टूडेंट्स भी थी, लेकिन अर्जुन को देख के वो भाग गई। उनो कहता है तुम प्रोफेसर अर्जुन हो, है ना? क्या इत्तेफाक है, हमारी फिर से यहाँ पर मुलाकात हुई। अर्जुन कहता है तुम हमारे कैंपस में न्यू इंग्लिश टीचर हो, एडम काइली। उनो कहता है पता नहीं लेकिन मुझे ऐसा फील हो रहा है कि मुझे देखकर तुम खुश नहीं हो, उस दिन कार एक्सीडेंट के बाद मैंने तुम्हारी कितनी ज्यादा मदद की थी, तो क्या तुम्हें मुझे शुक्रिया अदा नहीं करना चाहिए? क्या तुम्हारे फ्रेंड ने तुम्हें बताया नहीं कि मैंने तुम्हारी मदद की थी? लेकिन अर्जुन कहता है यूनिवर्सिटी टीचर को ऐसे कपड़े अच्छे नहीं लगते, तुम नए नए प्रोफेसर बने हो इसलिए तुम्हें नहीं पता। उनो हंसने लगा और कहता है कि तुम तो बहुत ही जवान हो, लेकिन तुम बूढ़े लोगों जैसी बातें क्यों करते हो? अर्जुन को याद आ गया कि उसने कैंडी की कमर पे हाथ रखा था और वो उसके बहुत ही करीब था, तो वो उससे पूछना चाहता था कि तुम्हारी सियोन के साथ क्या रिलेशनशिप है, लेकिन वहाँ पे सियोन मतलब कि कैंडी आ गया और उसने जानबूझ के उनो के सर पे वो क्लीनिंग टूल मार दिया। ओह नो आई एम सॉरी, वो बस मेरे हाथ से फिसल गया, क्या तुम ठीक तो हो? जल्दी इन्फर्मरी चलो। और वो उनो को अपने साथ ले गया और अर्जुन वहाँ पे अकेला ही रह गया और उसे बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा था। यहाँ पे दूसरी ओर कैंडी ने बहुत ही जोर से उनो को दीवार पे स्मैक किया। उनो कहता है तुम तो अभी मेरी चिंता नहीं कर रहे थे, मुझे अभी बहुत ज्यादा चोट लग सकती थी। कैंडी कहता है बकवास बंद करो और ये बताओ कि तुम यहाँ पे क्यों आए हो और मेरे टारगेट के साथ फाइट करने की क्यों कोशिश कर रहे थे, तुम्हारा मिशन तो साउथ अमेरिका में नहीं है? उनो कहता है वो मिशन तो बहुत ही अच्छे से जा रहा है, लेकिन यहाँ पे मुझे तुम्हें कुछ बताना है। उन्होंने जिस ब्लैक कार वाले के सर पे अपना हेलमेट मारा था वो पर्सन अभी मरा नहीं था, अर्जुन और कैंडी के जाने के बाद उसने उस पर्सन को पकड़ लिया था। कैंडी उसे पूछता है कि तो तुम्हें पता चला कि उसने किसे भेजा था? उनो बताता है कि मैं उसे सवाल पूछ ही नहीं पाया, वो मर चुका था, उसने अपने मुंह में छुपा हुआ पॉइजन चबा लिया और सुसाइड कर लिया। कैंडी ने उसका कॉलर पकड़े रखा था, तो उनो कहता है कि तुम्हें ऐसा करने की जरूरत नहीं है, मैंने ये पहले भी तुम्हें कहा था कि मैं यहाँ तुम्हारी मदद करने आया हूँ। कैंडी कहता है ये तुम क्या कह रहे हो, मैंने कभी मदद मांगी ही नहीं है और खासकर तुम्हारी मदद तो बिल्कुल भी नहीं। उनो कहता है अच्छा ऐसी बात है, लेकिन वहाँ पे जो पर्सन बैठा है उसे देख के तो मुझे लगता है कि तुम्हें मेरी मदद की जरूरत है। वहाँ पे शैडो बैठा हुआ था जो बहुत ही ज्यादा थका हुआ था, उनो उस पर्सन की डेड बॉडी यहाँ शैडो के घर में ही लाया था, उन सब के पीछे कौन है इस बारे में शैडो इन्वेस्टिगेट कर रहा था, तो ये सारा काम करने में वो काफी दिनों से नहीं सोया है इसलिए उसकी हालत ऐसी हो गई। उनो का मिशन साउथ अमेरिका में है, लेकिन उसे कैंडी के मिशन के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन मिल गई। उसे अर्जुन के फादर पार्क चोलो के बारे में कुछ पता चला है। उनो का मिशन था बोलिविया में ह्यूमन ट्रैफिकिंग कार्टेल पे नजर रखना, वहाँ का मार्केट एकदम ही डाउन हो गया था, लेकिन फिर भी काफी सारे बिजनेसमैन वहाँ पे ज्वाइन होना चाहते थे। वहाँ के माफियाज भी हमेशा एक दूसरे के खिलाफ रहते हैं और कुछ ना कुछ होता ही रहता है, तो उस ऑर्गेनाइजेशन के मेन पर्सन तक पहुँचने के लिए उनो वहाँ की VIP पार्टीज को अटेंड करता रहता था। उनो कहता है मुझे जल्दी से सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाए इसलिए एक लड़की जो वहाँ पे एज ए अकाउंटेंट काम करती है उसका फास्ट फ्रेंड बनने के लिए मैंने उसकी ओर एक बहुत ही बड़ा कदम उठाया। कैंडी और शैडो वो दोनों ही समझ गए कि इसका मतलब वो उस लड़की के साथ सोया था। उसके बाद फिर उनो को पता चल गया कि लास्ट वीक प्रोफेसर चोलो वहाँ पे ही थे और फिर उसके बाद वो गायब हो गए। कैंडी तो बहुत ही परेशान हो गया कि सब कुछ वहाँ पे ही चल रहा है और मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ। उनो बताता है कि लास्ट होटल पे जहाँ पे पार्क चोलो रुके थे वहाँ पे उसका फोन हमें मिला है।